हेलो दोस्तों, नमस्कार। माँ की आखिरी इच्छा। तो आइए आपको एक कहानी सुनाती हूँ। शायद ये कहानी सुन के आपकी आँखें भर जाए, क्योंकि इस कहानी में एक माँ ने अपने बेटे से अजीबोगरीब अपनी एक आखिरी इच्छा की फरियाद की है। एक बार एक बूढ़ी माँ को उसके बेटे ने एक वृद्ध आश्रम में लेकर छोड़ दिया। इस माँ को ये एक यही इकलौता बेटा था जिसके लिए इस माँ ने जीवन भर संघर्ष किया। इस बेटे के लिए वो सब कुछ किया जो एक माँ को करना चाहिए या माँ कर सकती है, और आज भी अपने बेटे को किसी भी तरह की परेशानी ना हो इसलिए आश्रम में जाके रहने के लिए भी तैयार हो गई। वृद्ध आश्रम में रह रही माँ हमेशा अपने बेटे को याद करती, मगर बेटा केवल साल में एक बार उसको मिलने जाता या फिर फ़ोन पर बात कर लेता। कई साल बीत गए। वृद्ध आश्रम से बेटे को एक दिन फ़ोन आया। उन्होंने कहा, बेटा जल्दी से आश्रम आके अपनी माँ से मिल लो, वो बहुत सीरियस है। बेटा जब अपनी बीमार माँ के पास पहुँचा तब वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। बेटे ने अपनी माँ से उसकी आखिरी इच्छा पूछते हुए कहा, माँ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ बताओ। माँ ने कहा, बेटा इस आश्रम में गर्मी और मच्छर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर कुछ पंखे लगवा लेना। फ्रिज ना होने की वजह से यहाँ हम बूढ़ों की कई बार भूखे पेट ही सोना पड़ता है, क्योंकि किसी ने दिया हुआ खाना खराब हो जाने से बचा नहीं पाते। तो इस आश्रम के लिए एक दो फ्रिज भी खरीद कर दे देना। बेटे ने अपनी माँ की सारी बात सुनी और अपनी माँ से पूछा, आपने इतने साल यहाँ पर निकाल दिए, आपने कभी भी बातें मुझसे नहीं कही, और अब जब आपके पास टाइम नहीं बचा है तब आप ये सब कह रही हैं, ऐसा क्यों? माँ ने बेटे को जवाब देते हुए कहा, बेटा मैंने गर्मी भूख और पीड़ा सहन कर ली, लेकिन मुझे पता है जब तेरे बच्चे तुझे यहाँ छोड़कर जाएंगे तब तू ये सब सहन नहीं कर पाएगा, इसलिए तेरी सुविधा के लिए मैं तुझे ये सब लगाने के लिए कह रही हूँ। खुद से पहले मुझे खाना खिलाती थी वो माँ थी, मेरे कुछ ना कहने पर भी सब बताती थी। सो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या आपको सीखने के लिए मिला है? तो इस कहानी से हमें सीखने के लिए ये मिलता है कि जैसा हम करेंगे हमारे साथ आज न कल वो वैसा हो गई। अगर हम अपनी माँ को आज परेशान कर रहे हैं तो कल हमें हमारे बच्चे भी वही चीज़ दिखाएंगे। तो अपनी माँ को कभी भी आप परेशान नहीं कीजिएगा, वरना आपके बच्चे भी कल आपको यही दिन दिखाएंगे। तो होप सो आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक खूब ख्याल रखें। सो टाइम, बाय बाय।